हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आपको बता दें कि टॉपिक क्या है हमारा, संधि। संधि में मैंने आपको तीन प्रकार के होते हैं ये बता दिया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ा के वीडियो अपलोड कर दिया है। टॉपिक चल रहा हमारा व्यंजन संधि, आज व्यंजन संधि भी समाप्त हो जाएगा, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करें। आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट मिलेगा, कल विसर्ग संधि पढ़ा के समाप्त हो जाएगा संधि, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको नियम बता रहा था कि ता के बाद अगर सा आए तो ता जो है चा में परिवर्तित हो जाता है और सा जो है छा में परिवर्तित हो जाता है। वैसे बताया था कि ता के बाद अगर हा आए तो ता जो है दा में परिवर्तित हो जाता है, हा जो है धा में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बताया था कि ता के बाद अगर सा आए तो ता जो है चा में चला जाता है और सा जो है अपने छा में चला जाता है। वैसे ता के बाद अगर हा आए तो ता जो है दा में परिवर्तित हो जाता है और हा धा में परिवर्तित हो जाता है। इसका आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कि जैसे है सत धन शास्त्र, तो ता है और यहाँ पे सा यहाँ पे है, ता और सा दोनों है तो ता जो है अपने चा में परिवर्तित हो जाता है, मैंने बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं और सा जो है किस में, छा में, तो छा में चला गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सच्छास्त्र। वैसे दूसरे नियम का बताया था, जो ता के बाद हा आए तो ता दा में और हा धा में। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ता के बाद ये ता है और इसके बाद हा आया है तो ता चला जाएगा दा में और हा चला जाएगा धा में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा तद्धित तद्धत। लेकिन तद्धत लिखा कैसे जाता है, ऐसे शुद्ध ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ता और सा का नियम। ता के बाद अगर सा आए तो इनका जो है आपको नियम दे रहा हूँ कि कैसे दोनों बनते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे चा है और यहाँ पे छा है, यानी कि दोनों के बदले दो शब्द यहाँ पे आए हैं। ता रहा होगा तो चा आएगा, सा रहा है तो छा आएगा। तो अब इसको आपको तोड़ के दिखा देते हैं ये टूटेगा कैसे। तो ये हो जाएगा छोटा ऊ, ठीक, और चा है तो ता रहा होगा या धत्ता हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे छा है तो सा रहा होगा, तो जमा अधस्सा वा से, ठीक, ये हो जाएगा श्वास। तो इसका ये संधि विच्छेद होता है। अब आप इसको जोड़ेंगे, जब ये बनाएंगे तो आपको बना के दिखा देते हैं ये कैसे बन जाएगा। छोटा हो जाएगा, ता जो है चा में चला जाएगा, आधा चा हो जाएगा और प्लस आधा सा है तो यहाँ पे छा हो जाएगा, सा के बदले छा जाता है तो ये हो जाएगा आधा छा वा से, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, जब इसका संधि बनाएंगे तो ऐसे कैसे बन जाएगा आपको दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा छोटा ऊ, आधा चा जो है ये छा जो है चा को पूरा कर देगा, ये छा हो जाएगा वा पे आक मात्रा वा से, तो ये हो जाएगा उच्छा वास। तो स्टूडेंट मैंने बताया कि ता का दा में परिवर्तन और हा का धा में परिवर्तन। अब इसका जो मैंने लिखा उद्धार, अब इसका आपको संधि विच्छेद दिखा देते हैं। संधि विच्छेद कैसे होगा, यहाँ पे दा है, अगर यहाँ पे दा है और यहाँ पे धा है, आपको पता है कि दा आधा है धा पूरा है, लिखा ऐसे शुद्ध जाता है। अभी आपको दिखा देंगे कैसे लिखा जाएगा। तो अगर दोनों दा और धा आया है तो ता और हा रहा होगा, तो इसका विच्छेद कैसे हो जाएगा, छोटा ऊ ता, पहले आपको ऐसे ही दिखा देते हैं, उद जमा धार, ठीक, ये हो गया उद जमा धार। लेकिन अब ये बनेगा कैसे, तो ये दा किस में जाएगा, दा देखिए आप, दा जो है ये ता में जाएगा तो ये हो जाएगा उद, और धा किस में जाएगा, धा चला जाएगा अपने हा में तो ये हो जाएगा हार, ऐसे, ठीक। तब इनको जब जोड़ेंगे, इनको जोड़ देंगे तब ये बनेगा, इसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका उद्धार। नियम आप देख सकते हैं कि छठा नियम है, यदि वाक्य में कहीं भी री रा सा के बाद ना आए तो ना का अड़ा हो जाता है। नहीं समझ में आया, आप इसको सूत्र देखिए, री रा सा के बाद अगर ना आए तो ना का किस में परिवर्तन हो जाता है, अड़ा में। आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे प्रा जमा मान, मैंने क्या बताया, ना देखिए बाद में है और किसके बाद में है, रा के, ये देखिए रा है ना, आधा रा है ना, तो यही है कि रा के बाद अगर ना आए तो ना किस में परिवर्तन हो जाता है, अड़ा में। तो ये क्या हो जाएगा, प्र मा रे, ठीक, याद हो गया। और एग्जाम्पल दिखा देते हैं, पोषण का आपको दिखा दे, पोषण लिखा है ना, तो इसका संधि विच्छेद आपको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोष, ऐसे पोष लिख देंगे, जमा अन,
रुकिए पेन चेंज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, पोष जमा अन। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ना है और यहाँ पे खट्टी सा है, दोनों वाक्य में कहीं भी आए तो ये हो जाएगा पोषण। ये जो है ये आधा रहेगा सा, ये इसमें चला जाएगा तो ये खट्टी सा पूरा हो जाएगा, ना का अड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोषण। और दिखा देते हैं, जैसे प्रणाम लिखा है, प्रणाम, तो इसका जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रा जमा, क्या हो जाएगा, पड़ा प्रा जमा नाम, यानी क्या बताया था, रा का नामे, यानी ना का रा में, रा का नामे, ऐसे होगा। तो अब क्या बताया था, अब देखिए यहाँ पे रा है, यहाँ पे पा में रा लगा है और ना यहाँ पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे प्रा और ना का रा में परिवर्तन हो जाएगा रा में, तो ये हो जाएगा प्रणाम, आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं एक, जैसे राम धन आयन है, राम धन आयन, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पूछेंगे रा कहाँ है, तो रा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा राम और धन आयन, ना यहाँ पे है, तो अब इनको दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राम और बड़ा आ है तो माँ में आ जुड़ जाएगा, तो माँ पे आ का अंतरा हो जाएगा और या और ना का रा में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रामायण, क्या हो जाएगा, रामायण। एक और देखते हैं, भर धन अन, तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा, भर, ये देखिए रा है और यहाँ पे ना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रा लिख दीजिए, हो जाएगा वाक, तो क्या हो जाएगा, और ये आ इसके साथ जुड़ जाएगा, ये रा आधा है, तो ये हो जाएगा भर रा रे, ठीक, सॉरी ये नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, भरण। नेक्स्ट नियम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो बड़ी बन जाएगी स्टूडेंट। अब ये है माँ संबंधी नियम, माँ में दो नियम है, इसलिए नियम नंबर 7 में मैंने माँ का पहला नियम आपको बताने जा रहे हैं कि माँ संबंधी नियम में क्या कह रहा है, कि अगर माँ का, इसमें क्या है कि माँ का अनुस्वार हो जाता है, अगर वाक्य में माँ आए किसके बाद, अभी दिखा देते हैं कि माँ के बाद अगर या रा ला वा बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा, अगर माँ के बाद ये सभी वर्ण आए तो जो है माँ किस में बदल जाता है, माँ अपने अनुस्वार में बदल जाता है। आप देख सकते हैं सम जमा सार, आप देखिए यहाँ पे माँ है, माँ का अनुस्वार में बदलाव हो जाएगा और सा यहाँ पे है ना, देखिए सा आया है तो सा वैसे ही रहेगा, तो ये माँ जो है चला जाएगा किसमें, अनुस्वार में, तो ये हो जाएगा संसार, ये संसार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माँ आया, माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, या आया है तो या यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा संयोग, आप बिंदी रख देना, ये हो गया संयोग। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि सम जमा हार, अब जल्दी लिख कर लेते हैं, नहीं वीडियो बड़ी बन जाएगी, सम हार बिंदी रख देंगे, वैसे समलग्न है, सम जमा लग्न, तो ये हो जाएगा स लग्न, ये हो गया संलग्न। एक और देखते हैं संविधान का है, तो पहले इसको तोड़ देंगे जल्दी से, तो ये हो जाएगा बिंदी है, यानी कि माँ आया रहा होगा, तो ये हो जाएगा सम जमा विधान, ठीक, ये हो जाएगा विधान। अब इसको जोड़ेंगे तो माँ जो है अनुसार में चला जाएगा, ये हो जाएगा संविधान, याद रखना इसका ऐसे होगा। वैसे संस्करण का एक बार देख लेते हैं, अगर बिंदी है तो माँ आया होगा, तो ये हो जाएगा सम जमा स्मरण, अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा संस्मरण। स्टूडेंट अब हम माँ का सेकंड नियम देख लेते हैं, कि अगर माँ के बाद स्पर्श व्यंजन आए जो कि का से लेकर माँ तक होते हैं, तो इन वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, जैसे मैंने क्या बताया था तीर्थम धन कर, तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माँ आया है और माँ के बाद का आया है, स्पर्श व्यंजन है का, तो ये का जो है किसमें बदल जाएगा, अपने पांचवे में, तो ये अपने पांचवे में परिवर्तन हो गया है, तो ये हो जाएगा तीर्थ अंकर। तो आप लिखेंगे कैसे कॉपी में, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है तीर्थ अंकर। अब आपको शुभ धन कर का बता देते हैं, कि शुभ धन कर का क्या होता है, मैंने बताया कि माँ आया है और का आया है, तो शुभ धन कर का एक बताएंगे, ये अलम धन कार का आप खुद करेंगे, तो ये हो जाएगा शुभ धन कर का, आप लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा शुभ। अब माँ, माँ के बाद ये वर्ड आया है तो ये अपने पांचवे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कर। लेकिन कॉपी में कैसे लिखा जाता है आपको पता है ना, तो कॉपी में ऐसे नहीं लिखा जाता है, शुद्ध होता है, सॉरी ये सु ऊपर बिंदी कर, ये हो जाएगा शुभंकर, ठीक, ये शुभंकर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये नियम आप करेंगे नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, सेम ऐसे ही है, माँ के बाद का आया है तो आप अंगा लगा देना, क्या लगा देंगे, अंगा लगा देंगे। अब दूसरा देखें कि समधन चय,
अब यहाँ पे माँ है, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन चा आया है, तो चा अपने पांचवे में चला जाएगा। चा का पांचवा क्या होता है? चा छा जा झा इया। चा का पांचवा क्या होता है? इया। ये चा का पांचवा होता है। ये बनेगा कैसे? तो आप इसको जोड़ देंगे, सम जमा, ये पांचवा हो जाएगा। इसका आप ऐसे लिख के च ये ऐसे लिख देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ थोड़ा ऊपर जोड़ दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा सम चय। ये हो जाएगा सम चय। आप इसको, ये आपका हो जाएगा सन चय, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कि सम धन धी। अब माँ आया है और धा, और धा अपने पांचवे में चला जाएगा, तो धा का पांचवा क्या हो जाता है? ता था दा धा ना। धा का पांचवा ना, तो ये हो जाएगा स, और धी है, और जो है धा का ना में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धी। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा संधि, समधन धी, तो हो जाएगा संधि। अच्छा, इसको भी बता देते हैं हम, रहने दीजिए आप, हम है ना, हम कर देंगे। तो अलम धन कार का क्या हो जाएगा? तो आप इसको जब जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? मैंने बताया माँ है और इसका व्यंजन, मतलब सॉरी, ये स्पर्श व्यंजन का स्पर्श व्यंजन है, इसका पांचवा में परिवर्तन कैसे होगा? देखिए अ ला, अब इसका पांचवा क्या हो जाएगा? अंगा। ये अंगा हो जाएगा, फिर इसके बाद आप कार जोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा, आप लिखेंगे कैसे? अलंकार। ये हो जाएगा अलंकार। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे का नियम देखते हैं, आज का लास्ट है स्टूडेंट, नियम नंबर 8 है कि सम प्लस कृत, सम के बाद अगर कृत प्रत्यय, कार प्रत्यय, कृति प्रत्यय या करण प्रत्यय आए, माँ का अनुसार में परिवर्तन हो जाएगा, और एक सा, वो भी कैसा सा? आधा सा का आगमन हो जाता है। अब ये मत पूछना कैसे हो जाता है, ये सब नियम है, आ जाता है तो आ जाता है। समधन कृत, समधन कृत है, तो मैंने क्या बताया? माँ आया है, तो माँ का जो है अनुसार में परिवर्तन हो जाएगा, और सा आधा सा आके जुड़ जाएगा इस शब्द के ऊपर, जो बाद वाला होगा इसके ऊपर, ये हो जाएगा समधन कृत। मैंने यही बताया कि माँ का अनुसार में परिवर्तन हो जाता है और आधा सा का आगमन हो जाता है, तो ये आधा सा का आगमन हो गया, तो ये हो गया संस्कृत। एक और एग्जांपल देते हैं, समधन करण, समधन करण है, तो इसका देखते हैं क्या होगा। मैंने बताया माँ का अनुस्वार में, तो आप ऐसे पहले सा लिखना, ऊपर बिंदी लिख देना, अब इसके आगे जो है यहाँ पे आप सा जोड़ देना, तो ये हो जाएगा संस्करण। अब संस्कृत का आपको दिखा देते हैं कि संस्कृत का कैसे होता है, तो संस्कृत का आप देख लीजिए, तो इसका तोड़ेंगे पहले, सम बिंदी है यानी कि माँ रहा होगा, धन, अब इस सा को आप हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि आप संधि बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा कृति। अब आप देखिए ये कृति प्रत्यय है और कृति प्रत्यय यहाँ पे है, करण है यहाँ पे करण है, और कृत है यहाँ पे कृत है। तो मैंने बताया कि अगर इस तरह के प्रत्यय आते हैं तो उनमें सम का अनुसार में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये संधि समाप्त हुआ। अब कल हम व्यंजन विसर्ग संधि स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज एक से दो बार जरूर देखें, संधि इतनी आसान नहीं होती है, इसलिए आप एक से दो बार जरूर देखना। फिर कल मिलते हैं विसर्ग संधि के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।